इंटरनेशनल सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले कैसे आप मिझो बैंक में अपना ऑनलाइन खाता कैसे खोलेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप इंडिया में रहकर इस बैंक में खाता कैसे खोल पाएंगे, तो सभी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे और जस्ट यहाँ पे सर्च करेंगे मिझो बैंक। जस्ट आप इतना सर्च कर देंगे। जैसे आप इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पे मिझो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप अपना खाता खोल सकते हैं। और ये एक जापान का बैंक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसकी मिझो की बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इंडिया में जो ब्रांच है, जैसे कि इसका गुड़गांव हरियाणा में ब्रांच है, तो वो एड्रेस यहाँ पे बताया गया है। अभी मैं विकीपीडिया के अनुसार थोड़ा सा आपको डेटा बता देता हूँ मिझो बैंक के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मिझो बैंक है वो जापान का एक काफ़ी लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी है, जिसमें आप आसानी से अपना खाता खोल पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि इसका टोटल एसेट वैल्यू 1.8 ट्रिलियन डॉलर है 2017 के अनुसार, और जापानीज़ मेगा बैंक्स की कैटेगरी में ये बैंक आता है। तो गाइस, यदि आप इस बैंक में खाता खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ तरीके से यहाँ पे यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेता हूँ इसके बारे में, ताकि आपको सभी जानकारी आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे मिझो बैंक के बारे में। मिझो बैंक जापान में सबसे बड़े ग्राहक अधिकारों में से एक और दुनिया भर के वित्तीय और व्यवसायिक केंद्रों को कवर करने वाला एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वाला अग्रिण वैश्विक बैंक है। अधिक जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है। यदि आप कॉरपोरेट वगैरह बिजनेस वगैरह चलाते हैं तब भी आप यहाँ पे अब आसानी से अपना खाता खोल पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। मिझो बैंक लिमिटेड एक वित्तीय संस्थान है जो कांटो लोकर फाइनेंस ब्यूरो टोकी नंबर 6 के निदेशक के साथ पंजीकृत है, और जापान सिक्योरिटीज डीलर्स एसोसिएशन, द फाइनेंशियल फ्यूचर्स एसोसिएशन ऑफ जापान और टाइप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्म्स एसोसिएशन का सदस्य है। गाइस, अभी बात कर लेते कि इंडिया में आपको इस बैंक में खाता कैसे खोलना है। यदि आप इंडिया में इस बैंक में खाता खोलना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास में पासपोर्ट है यदि, तो तब भी आप इस बैंक में खाता खोल पाएंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना भी बताई गई है। मिझो बैंक कर्मचारी द्वारा भेजे जा रहे दुर्भाग्यपूर्ण ईमेल से सावधान रहे 4 मार्च 2022। तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकती है, जो कि आपको बताया गया है। और इसकी जापान में 100 से भी अधिक ब्रांच है और कार्यालय है। इसके अलावा यहाँ पे गाइस इंडिया के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे की ओर जाएंगे तो मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ साइट को, तो जो इंडिया वाली साइट है उसको ओपन कर लेते हैं एक बार। ये रही मिझो बैंक इन इंडिया, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिझो बैंक की जो इंडिया में ब्रांच है उसके बारे में बताया गया कि भारत में 5 शाखाएँ हैं और 25 वर्षों से अधिक उपस्थिति के साथ भारतीय कस्टमरों को ये अपनी फाइनेंस सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। खाता खोलने के लिए गाइस आपको मैं सिंपल स्टेप बता देता हूँ कि क्या करना है। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सिंपल टाइप करेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। जस्ट इतना सर्च करेंगे। जैसे आप इतना सर्च करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्योंकि अभी हमें जो अपना खाता खोलना है वो इंडिविजुअल खाता खोलना है, तो इस सेकंड वाला जो फॉर्म है इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। जैसे ही मैंने बताया इंडिया में 5 ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पे जा करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जमा कर देना है, तब आपका यहाँ पे खाता खुल जाएगा। खाता खोलने के लिए बेसिक्स डिटेल है, यहाँ पे अपनी डेट एंटर करेंगे। थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आप किस तरह का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो अभी हमें सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे टिक करेंगे। इसके बाद कस्टमर की डिटेल, यहाँ पे आप अपना फैमिली का नेम, आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंटर करेंगे। इसके बाद जहाँ पे भी अभी आप रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे फुलफिल करेंगे विद पिन कोड। इसके अलावा अपना ऑक्यूपेशन डालेंगे, आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, वो एंटर करेंगे। अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। यदि जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे।
इसके बाद आपको बोला गया है मोड ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे सिंगली एदर ऑफ सर्वाइवर जॉइंटली, तो यहाँ पे आप सिंगल यदि खाता खोल रहे तो यहाँ पे सिंगल पर क्लिक कर देंगे। नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखने को मिल जाता है, मंथली लेना चाहते हैं या क्वार्टरली लेना चाहते हैं, तो यदि बैंक का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी है यहाँ पे। डिटेल ऑफ एंटर यहाँ पे बताया गया है इंट्रोड्यूसर, तो यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है अपनी बेसिक्स डिटेल, यदि आपका ऑलरेडी पहले से किसी का खाता है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना वैलिड पासपोर्ट नंबर वगैरह डालेंगे, डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड होंगे आपके यहाँ पे, तो ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन को रीड कर लेंगे। बेसिक सी डिटेल है यहाँ पे, अपना फोटोग्राफ यहाँ पे चिपका लेना आपको, देन नीचे यहाँ पे जो भी टर्म्स ऑफ, यहाँ पे एक नॉमिनेशन फॉर्म है, नॉमिनी की डिटेल एंटर करनी है, जैसे नॉमिनी का नाम होगा, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो एंटर करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर क्लिक कर लेंगे। और देन गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इनको आप एक बार रीड कर लेंगे। यदि आप इस बैंक में खाता खोल रहे हैं, यदि जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिटेल भी आपको एंटर करनी होगी। चेकबुक की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ये ऊपर वाला जो फॉर्म है इसको आप जैसे ही रेडी कर लेते हैं, ये वाले फॉर्म को जैसे इसमें जो भी डिटेल है इनको आप रेडी कर लेते हैं, तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और उन पर सिग्नेचर करके, फोटोग्राफ इस पर चिपका करके, जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच है, जैसे मैंने गुड़गांव में ब्रांच बताई है, वहाँ पे जा करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करेंगे। तो गाइज़ आपका 24 से 48 घंटे में इस बैंक में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसके बाद जैसे अकाउंट ओपन हो जाता है तो इसकी मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है मिझो बैंक में इंडिया में बैंक खाता कैसे खोलेंगे, यदि आप अपना खाता खोलना चाहते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपके मन में किसी भी कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।